नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में BPL श्रेणी में आने वाले किसान और किसान परिवार के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू किया गया है और ये योजना प्रदेश में 2017 से लागू की गई है। और योजना के तहत किसान परिवार के मुखिया अथवा परिवार के सदस्यों के घायल होने पर 2.5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है योजना के तहत। और इसके अतिरिक्त यदि परिवार के मुखिया किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति होती है तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया के उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। और इस योजना का उद्देश्य जो है प्रदेश के BPL श्रेणी के जो भूमिहीन और गरीब लघु सीमांत किसान हैं जिनके परिवार की वार्षिक आयु 75,000 रुपये या उससे कम है उन्हें इस बीमा योजना के तहत शामिल करना है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इस योजना में जो है के तहत बीमा का दावा प्रस्तुत करने के लिए दुर्घटना के सूची जो है निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जो है रेल वायुयान या सड़क दुर्घटना में दुर्घटना मृत्यु या सदस्यों के घायल होने पर या फिर किसी भी प्रकार के टकराव या गिरने के कारण चोट लगने, गैस रिसाव, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होने पर या जलने, डूबने या फिर बाढ़ में बह जाने या भूकंप के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने पर या किसी जंगली जानवर के काटने अथवा आक्रमण करने पर किसी भी प्रकार से हाथ या पैर के कट जाने पर या नेवला, सांप या कुत्ता काटने से विषाक्तता के कारण मृत्यु होने की दिशा में योजना के तहत बीमा की राशि का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए बीमा दावा का के लिए आवेदन कर सकते हैं। और योजना में जो है इसका लाभ 18 से 17 वर्ष की आयु के बीच के जो किसान परिवार हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। और किसान परिवार के जो मुखिया है जिनका नाम खातेदार भूमि या सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हो वो इस योजना के पात्र होंगे। यानी कि जो आपकी किसान की जो भूमि है उस पे उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम से भूमि होनी चाहिए तो इस योजना का जो है पात्र माना जाएगा। और परिवार की वार्षिक आय जो है 75,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और बीमा का दावा जो है आपके लिए आवेदन करने के लिए आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, निवास प्रमाण पत्र की। और BPL कार्ड धारक जो किसान है वो दावा फॉर्म में आय प्रमाण पत्र उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, BPL कार्ड से ही जो है उनके आय का प्रमाण पत्र जो है प्रमाणित किया जाएगा। और खतौनी की कॉपी और मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि दुर्घटना मृत्यु हो जाती है मुखिया की तो मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और यदि जो और FIR की फोटोकॉपी और विकलांगता की दशा में विकलांगता प्रमाण पत्र और मुखिया की दुर्घटना बस होने के मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकार के प्रमाण के तौर पर मुखिया से संबंध का प्रमाण पत्र और बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी बैंक विवरण के लिए चाहिए होगी। सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बीमा दावा के आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके जमा करना होगा। और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान परिवार के मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की बीमा राशि उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है। और
पात्र किसान परिवार के मुखिया या उसके परिवार के सदस्यों को दुर्घटना में घायल होने पर 2.5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। और इसके अतिरिक्त यदि कृत्रिम अंग लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी दशा में 1 लाख अतिरिक्त लाभ की सुविधा प्राप्त होती है योजना के तहत। और दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी भी नज़दीकी अस्पताल जो है उसमें कम से कम 10 बेड होने, बेस्ट बेड वाले अस्पताल होने चाहिए। उसमें यदि जो है भर्ती करते हैं तो उसके लिए आपको तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए 25,000 रुपये की सुविधा मिलती है। 25,000 रुपये तक का प्राथमिक इलाज मुफ्त ले सकते हैं। और योजना के पात्र मुखिया के प्रदेश की सीमा के बाहर भी यदि दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति होती है तब भी योजना का के तहत बीमा का लाभ प्राप्त होगा। किंतु सदस्यों के यदि दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश सीमा के अंदर ही यदि दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तभी योजना का लाभ प्राप्त होगा। और योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में और अस्पताल में और निजी अस्पताल जो हैं उनमें कम से कम 30 से अधिक बेड होने चाहिए। ऐसे अस्पतालों में जो है इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। और बीमा योजना के तहत उन निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध भी होना आवश्यक है। किंतु प्रदेश के सरकारी किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1540 सरकारी एवं निजी अस्पतालों को कुल मिलाकर 1540 अस्पतालों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए जो है चयनित किया गया है योजना के तहत। और इस योजना में आवेदन के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने पर पहले योजना के तहत जारी की गई हेल्पलाइन नंबर जो है 1520 या फिर 1800-307-01520 टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करके सूचित करना आवश्यक होगा। और कॉल करने पर जो है आपको योजना के बीमा के लिए का लाभ प्राप्त करने के लिए दावा फॉर्म भरने से संबंधित सभी सूचना की भी जानकारी दी जाएगी और दस्तावेजों से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। और कॉल करने के बाद जो है घायल होने की दशा में नज़दीकी किसी भी 10 बेड वाले अस्पताल में भर्ती करने पर 25,000 तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। और इसके बाद FIR नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना आवश्यक होगा। फिर मुखिया की मृत्यु यदि होती है तो उसकी दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना होगा। और यदि विकलांगता की स्थिति होती है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लेना होगा। और फिर बीमा दावा फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र संलग्न करने के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या फिर ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में दावा फॉर्म जमा किया जा सकेगा। इन 3 बीमा कंपनियों को जो है किसान एवं सभी बीमा योजना के तहत रजिस्टर किया गया है। तो इन 3 बीमा कंपनियां ही इस योजना की बीमा निपटारे का कार्य करती हैं। और परिवार के मुखिया की जो है दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने से संबंधित आवेदन फॉर्म और चिकित्सीय के लाभ लेने से संबंधित जो आवेदन फॉर्म है उसे आप जो है डाउनलोड करने के लिए आप गूगल वेब ब्राउज़र पर किसान सर्वित बीमा योजना लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह डॉक्यूमेंट PDF फाइल खुलकर आ जाएगी। इसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो सारे फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर उसे भरना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने के बाद जो है आप फ़ोन पर आपको जैसे सूचना प्राप्त होगी वहाँ पर जाकर जमा करना होगा। और तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।